अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। इस देश को गांधीवादी नहीं गोडसेवाद की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहेंगे। हालांकि ऐसे मूर्ख व्यक्ति की बात को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये दावा किया है अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने। नाथुराम गोडसे व नारायण नाना ऑप्टे के बलिदान दिवस पर मेरठ कार्यालय में आयोजित एक समारोह के बाद कलयुग की रामायण नामक पुस्तक का विवेचना किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर माँ अन्नपूर्णा डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने यह कहा। देखिए, पुस्तक का विमोचन मैंने महाराज जी के गुरुदेव की आज्ञा से, पंडित अशोक शर्मा जी की आज्ञा से इस ऐतिहासिक धरती पर किया है, और आह्वान था हमारे अखिलेश शुक्ला जी का। शुक्ला जी, आप आगे आ जाइए कृपया करके। आपकी एक पुस्तक है कलयुग की रामायण, उसमें कलयुग में जिस तरीके की रामायण का इनका जो तात्पर्य मुझे समझ में आया है, बाकी और अवलोकन होगा, मैंने बहुत ज्यादा गो थ्रू नहीं करी है, लेकिन आप दर्शाना ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पात्रों को डिफेम किया गया, हमारे देवी देवताओं को भी डिफेम किया गया, और देवी देवताओं के अलावा जो साक्षात जीव है, जैसे गोडसे, आज गोडसे जी का बलिदान दिवस है, इस पुस्तक में गोडसे जी के बारे में ज्यादा इन लोगों ने, आपने इसमें शायद प्रकाशनात किया है और चरितार्थ करने का प्रयास किया है कि क्या गोडसे इतने गलत थे जितना उनको बता दिया गया, और इतने क्या थे भी या नहीं, हम तो गोडसेवादी हैं। क्या वास्तविकता में जिस चीज का महिमा मंडन हो गया वो पॉसिबल है? पिता कौन हो सकता है और पुत्र कौन हो सकता है? रक्षक सही मायने में कौन है और भक्षक कौन है? इस बात का फैसला इस पुस्तक को पढ़ के आप स्वयं कर पाएंगे। देखिए, मेरी बात पुस्तक पढ़ने ना पढ़ने की तो बात ही नहीं है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, और अभिव्यक्ति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई जो है, कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, जल्दी कुछ नहीं है, दिन बहुत शुभ था, इसलिए हमने इस ऐतिहासिक भूमि को लिया है। जल्दबाजी नहीं की गई है, इन्होंने पूर्ण समय लिया है जहां तक मैं जानती हूँ। बात ये थी कि एक ये चाहते थे कि ऐतिहासिक जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गोडसे जी के चरित्र को लेकर के बड़ा डिटेल्ड वर्णन किया है। आप भी गोडसे भक्त हैं, तो फिर जब गोडसे जी की बात आती है तो गुरुदेव की इस ऐतिहासिक भूमि के अलावा तो कोई भूमि है ही नहीं है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, मंदिर तो हम और भी बनाना चाहते हैं, और शीघ्र अति शीघ्र जो है अलीगढ़ में भी हम गोडसे जी का मंदिर बनाएंगे। गुरु जी, मेरी मूर्ति तो रखी हुई है, बस ले जाने की देरी है। तो यहाँ जो मंदिर बना, तो इस मंदिर में, और आज का दिन इससे शुभ हो नहीं सकता, क्योंकि पुस्तक में नाम जरूर कलयुग की रामायण है, परंतु जो इन्होंने बताया उसके अनुसार जो है, जो वर्णन है वो गोडसे जी के जीवनी के ऊपर है, उनके भावों को लेकर प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में इन्होंने ये स्थान चूज किया। बस आज अमर हुतात्मा नाथुराम गोडसे नाना आपके का बलिदान दिवस था। आज के दिन उन्हें गांधी नामक दैत्य की वध करने के उपलक्ष्य में फांसी की सजा दी गई थी, तो उनका आज बलिदान दिवस मनाया गया। इसमें हमारे हिंदू महासभा के जो गोडसे भक्त हैं, दिल्ली से आचार्य मदन जी थे, निशांत जिंदल जी थे, अलीगढ़ से पूजा शकुन पांडे थी, तो उनका कोई अपना निजी वो था कि उनका एक भक्त है, उसने किताब लिखी है कलयुग का रामायण, तो वो उसका विमोचन जो है पूजा शकुन पांडे जी ने किया था, और उसमें ज्यादातर गोडसे जी का और गांधी का ही चरित्र लिखा गया उस किताब में। तो इसमें आपने पढ़ा किताब के अंदर क्या क्या है? इसमें गांधी के बारे में जो अत्याचार हुआ गोडसे के साथ, क्योंकि उस समय जो है कॉमनवेल्थ के अंतर्गत थे हम लोग, और उससे पहले डोमिनेंट स्टेट थी जब 1947 में बनाई थी हुकूमत, तो उस हिसाब से गोडसे जी के साथ अन्याय हुआ और उनका जो है पूरा मुकदमा नहीं सुना गया, इसलिए उसके विषय में इस किताब में लिखा गया है। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष के रूप में मेरठ में कार्य करता हूँ, और आज 15 नवंबर के दिन हिंदू महासभा के महान नेता और गांधीवाद के महानायक कहे जाने वाले अमर हुतात्मा श्री पंडित नाथुराम गोडसे जी की और नाना नारायण आप्टे जी की 74वां बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, हर वर्ष की बात है। इसमें यह विश्व की सर्वप्रथम जो हमारी गोडसे जी की और नारायण नाना आप्टे जी की प्रतिमा या विराजमान है, उनके पे पुष्प माला अर्पण की गई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब पश्चात हवन पूजा अनुष्ठान कर गायत्री मंत्र का जाप, बगला मुक्ति का जाप और महामृत्युंजय के मंत्र के जाप के साथ ऐसी परमात्मा इस धरती पर बार बार अवतरित होती रही, ऐसी भगवान से मांग की गई, और एक खुला पत्र श्री आदरणीय भारत सरकार को भेजा गया जिसमें ये मांग करी गई है कि बहुत जल्द भारत को आपको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए,
और भारत के अंदर जो सिंधु नदी है उसका जल भारत के अंदर प्रवाह होना चाहिए। और तीसरी मांग ये रही कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि 8वीं क्लास 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के अंदर नाथुराम गौड़से और नारायण नाना आपटे जी के जो गांधीवत के महानायक थे इन दोनों की सच्ची जीवनी गाथा को प्रकाशित करना चाहिए। इसमें हमारे हिंदू महासभा के जो बुजुर्ग नेता हैं और जिन्होंने हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पंडित अशोक शर्मा जी, हिंदू महासभा की लेडी गौड़से से कही जाने वाली विश्व प्रसिद्ध श्री पूजा शगुन पांडे जी, हमारे हिंदू महासभा के नेता और विश्व हिंदू पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आचार्य मदन जी और हिंदू डिफेंस लीग के राष्ट्रीय संयोजक श्री निशांत जिंदल जी, अशोक पांडे जी, भरत राजपूत जी सहित करीबन यहाँ पे 25 से 30 कार्यकर्ता हिंदू महासभा के आज मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।